हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना अपना स्वाद में। आज हम बनाने वाले हैं कांजी वड़ा। कांजी बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जब कभी फेस्टिवल हो या फंक्शन हो, जब हम हैवी खाना खा लेते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में मुश्किल होता है, तब हम ये कांजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे खाने का डाइजेस्ट भी कर देगा। तो हम आज की रेसिपी शुरू करें कि कांजी वड़ा कैसे बनाए जाते हैं। कांजी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में एक कटोरी में जली हुई गोबरी या कोल लेंगे। उसमें हम थोड़ा घी और हींग डालेंगे जिससे उसका स्मोक धुआं बर्तन में आएगा और इसे हम प्लेट से कवर कर देंगे। कुछ देर बाद हम इसमें से कटोरी को बाहर निकालेंगे। बर्तन में 2 गिलास गुनगुना पानी डालेंगे और फटाफट से इसे बर्तन की प्लेट से ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें पानी में 2 चम्मच पीसी हुई राई डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच सादा नमक और 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। इन मसालों को पानी में मिक्स करेंगे और 2 से 3 दिन के लिए इसे ढककर रख देंगे जिससे कांजी खट्टी हो जाएगी। अब हम बनाएंगे कांजी की वड़ी। इसके लिए हमने 1 कप मूंग दाल ली है जिसे बर्तन में डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे और हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगोए रखेंगे। 4 से 5 घंटे के बाद हम दाल को चलनी में निकाल लेंगे और इसे मिक्सी जार में डालेंगे। हमें मूंग दाल में थोड़ा ही पानी डालना है और इसे पीस लेना है। हमारी मूंग दाल पीसकर तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब हम इसे दाल को अच्छे से फेंटना है जिससे हमारे वड़े सॉफ्ट बनेंगे। हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है जिसे हम गरम करेंगे। तेल गरम होने पर हमें लो फ्लेम पर वड़े डालने हैं। वड़े थोड़े बड़ी साइज में डालना है। गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे वड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कुछ देर बाद हमारे वड़े सिकने लगेंगे। अब हम इन्हें पलट लेंगे। हमारे वड़े अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें गुनगुने पानी में 20 से 25 मिनट के लिए रहने देंगे। 2 से 3 बार हमारी कांजी खट्टी हो गई है। हमारी कांजी बनकर तैयार है। अब हम इसमें चम्मच से हिलाएंगे और इसमें हम अपने भीगे हुए वड़े को डालेंगे। हमारे कांजी वड़ा बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं हमारे यम्मी टेस्टी कांजी वड़ा बनकर तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।